जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। आत्मा को पढ़ने का एक तीसरा सूत्र है आर्यव, आर्यव ऋजुता सरलता। सरलता को भी हमें समझना है और उसे हम भाव विशुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं। आर्यव को दो आयामों में समझने का प्रयत्न करें, एक भाव विशुद्धि और एक अविसंवाद। भाव विशुद्धि, मन सामने आ जाता है, वाणी सामने आती है, शरीर की चेष्टा भी सामने आती है, पर भाव हमारे सामने नहीं आता। वह भीतर बैठा बैठा अपना काम करता है, सेनापति रणभूमि में नहीं, अपने कंट्रोल रूम में बैठा संचालन कर रहा है और सेना सामने आ रही है। भाव हमारे भीतर रहता है, वह काम लेता है अपने कर्मचारियों से। उसके तीन कर्मचारी हैं भाव के, एक मन, एक वाणी और एक शरीर। इन तीन से वह काम लेता है। जो अपना काम करना होता है, कराना होता है, सीधा किसी के सामने वह नहीं जाता, इन तीनों से काम करा लेता है। भाव अशुद्ध होता है, मन अशुद्ध हो जाता है, वाणी अशुद्ध हो जाती है, शरीर भी अशुद्ध क्रिया करने लग जाता है। यानी भाव का प्रतिबिंब इन तीनों पर पड़ता है और वे तीनों प्रतिबिंबित होकर उसका रिफ्लेक्शन लेकर अपने कार्य का संचालन करते हैं। माया पर्दा है, कपट एक अच्छा दिन है कि हर चीज को ढांक देना। भाव अशुद्ध होता है तो सब चीज को ढांकने की वृत्ति रहती है कि छिपाओ छिपाओ, प्रकट मत होने दो। मन को भी आदेश मिलता है कि छिपा लो, वाणी को भी मिलता है कि छिपाओ और शरीर को भी मिलता है छिपाओ। तीनों वक्र बन जाते हैं, शरीर वक्र, वाणी वक्र और मन भी वक्र, तीनों में टेढ़ापन आ जाता है। कि नट नाच रहे हो वहां देखना नहीं, आज नट नहीं, आज तो नटिनिया नाच रही थी, आपने कब मनाई की थी। यह वक्रता कुटिलता आती है, सच्चाई को छिपाने का प्रयत्न होता है। वाणी में भी वक्रता आ जाती है, न्याय शास्त्र में भी आता है जाति और छल, छल जहां वहां नव कंबल, नव कंबल, नव कंबल लाया हूं, दूसरे से बहुत अच्छा काम किया, कंबलों की जरूरत है, नौ कंबल ले आया। नव का मतलब नौ, कि नौ कंबल ले आया, बहुत खुश हुए। आगे गए, बोलो कहां है, कि ये पड़ा, कही तो एक है, मैंने कब कहा था नौ है, तुमने कहा था नव कंबल, अरे समझे नहीं, नव का अर्थ था नया कंबल, मैं तो नया कंबल लाया हूं। यह भाग वक्रता। इस प्रकार बहुत लोग वाणी की वक्रता करते हैं, मतलब कि भीतर में भाव है माया का और वह भाव जब मन को आदेश देता है तो मन की चेष्टा वक्र हो जाती है,
और जब वाणी को निर्देश देता है तो वाणी की चेष्टा वक्र हो जाती है, और जब शरीर को निर्देश देता है तो शरीर की चेष्टा भी वक्र हो जाती है। वक्र शरीर की चेष्टा भी वक्र होती है। डॉक्टर तो कहता है कि ऊपर उठ सकता है, पर मेरा वकील कहता है कि ऊपर उठाना मत, कह देना ऊपर हाथ उठता नहीं। यह वक्रता, यह शरीर की चेष्टा में भी वक्रता आ जाती है। कभी कभी आदमी के मन में कोई पैदापन आता है, शरीर की चेष्टा वक्र हो जाती है। कोई पूछता है कि रास्ता किधर जाता है, इधर जाता है। अब जाना तो इधर है, इधर कर देते अंगुली। शरीर की चेष्टाएं सारी वक्र हो जाती है। भाव कुछ होता है, कुछ दिखा देता है, भीतर कुछ बाहर कुछ दिखा देता है। शरीर की चेष्टा, जिसे काव्य शास्त्र में हाव भाव विभ्रम आदि अनेक प्रकार से भावों की चेष्टाओं का वर्णन किया गया है, यह शरीर की वक्रता, वाणी की वक्रता और मन की वक्रता। ये वक्रता कहाँ से आती है? मन बेचारा भोला है, सरल है, उसमें कुछ नहीं है। शरीर भी भोला है, कुछ नहीं है उसमें भी, और वाणी में भी कुछ नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है पैदापन, आ कहाँ से रहा है? ये सारा भीतर से आ रहा है और भाव की अशुद्धि से आ रहा है। जब भाव अशुद्ध होता है, भाव कभी क्रोध प्रधान हो जाता है, कभी अहंकार प्रधान और कभी माया प्रधान। जब माया प्रधान भाव होता, माया का भाव होता है, तब वह बाहर की सारी चेष्टाओं को वक्र बना देता है। हमारी ऋजुता सरलता नहीं रहती। सरलता का अर्थ है कि भाव की शुद्धि हो। भाष्यकार ने आर्जव का पहला अर्थ किया है भाव विशुद्धि, भाव की शुद्धि हो, यानी भाव शुद्ध है तो आपकी ऋजुता अपने आप होगी, आप पे कुटिलता आएगी नहीं। कुटिलता लाने वाला शुद्ध है, तब अशुद्धि कहां से आएगी? जब वह भाव शुद्ध नहीं होता है तब समस्या पैदा होती है। तो भाव को हम समझने का प्रयत्न करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाव अशुद्ध नहीं है, फिर भी आदमी को व्यवहार के रूप में माया करनी पड़ती है। वह शायद आत्मा के दर्शन में, आत्मा की पढ़ाई में उतना बाधक नहीं बनता, वह माया छिपाना बाधक बनता है कि जो अशुद्धि के साथ आता है। अब साधु भीतर भोजन करते हैं, पर्दा डाल देते हैं, छिपाते तो है, पर यहां कोई भाव अशुद्ध नहीं है। हर व्यक्ति कपड़ा पहनता है, अपने सारे विकारों को छिपाता है, यानी शरीर को भी छिपाता है, पर यह कोई अशुद्धि नहीं। यह एक व्यवहार की बात है। व्यवहार में या व्यवहार को सम्यक करने में जो पर्दा डाला जाता है वह एक अलग बात है। भाव की अशुद्धि नहीं है, हमें समझना, जहां भाव अशुद्ध है वहां छिपाने की बात आती है, वहां आत्मा की पढ़ाई में बाधा आ जाती है। हमारी भाव अशुद्ध न हो, स्त्रियों ने भी पर्दा शुरू किया था, आज भी कहीं कहीं है। एक परिस्थिति वश किया था कि जब वह मेला लगता था और समस्याएं आई थी, तब पर्दा डालने की प्रथा भी चली, पहले भी चली थी, पहले भी चली, एक परिस्थिति बस चली, किंतु उसके पीछे कोई भाव अशुद्धि की बात नहीं थी। भाव अशुद्धि जहां हो वहां समस्या पैदा होती है। कभी कभी व्यवहारिक समस्या को सुलझाने के लिए भी छिपाने की बात आती है, पर वहां कोई भाव अशुद्ध नहीं होता। एक समस्या हुई पैदा, दो भाई, बड़ा प्रेम, पिता का देहावसान हो गया, अब बंटवारे की बात आई। यह एक ऐसी व्यापक समस्या है कि पहले तो ठीक बंटवारा होता नहीं और बाद में करते हैं तो झगड़ा निपटना मुश्किल हो जाता है।
जब तक प्रेम तब तक व्यवस्था नहीं। अब प्रेम टूटते ही व्यवस्था करना चाहते हैं, बाद में इतना झंझट होता है। हमने देखा, इतना देखा, अनुभव किया, सैकड़ों सैकड़ों परिवारों को देखा कि बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। वही समस्या पैदा हुई। अब बंटवारा सारा हो गया, केवल एक बची अंगूठी बची। अब एक भाई कहता मैं लूंगा, दूसरा छोटा भाई कहता मैं लूंगा। अब एक अंगूठी, दो भाई, दो लेने वाले, कैसे समस्या सुलझे? आखिर में कहा कि भी ऐसे तो नहीं होगा, कि किसी को मध्यस्थ बना लो। एक व्यक्ति को मध्यस्थ बना लिया, समस्या सामने रख दी। उसने कहा अंगूठी मुझे दे दो और कुछ दिन का मुझे समय दो, निर्णय में बाद में दूंगा, पूरा चिंतन करके दूंगा। उसने समय की अवधि में बड़े भाई को बुलाया, बुलाकर कहा देखो ये अंगूठी है, तुम लेना चाहते हो? हाँ लो ले जाओ, पर किसी को बताना मत, किसी को मत बताना, और पहनना भी नहीं है। अभी तक 5-10 वर्ष तक तो अंगूठी पहनना नहीं है, भीतर ले जाकर रख दो, ये शर्त मानो तो अंगूठी ले सकते हो। उसने कहा बिल्कुल मान्य, अंगूठी दे। छोटे को बुलाया, ये लो अंगूठी, लेना चाहते हो? हाँ, पर ऐसे नहीं मिलेगी, किसी को नहीं बताओ तो अंगूठी मिल सकती, पहनना भी नहीं है, भीतर ले जाकर तिजोरी में रख दो तो मिल सकती है। उसने कहा बिल्कुल मुझे मान्य, उसे भी अंगूठी दे दी, झगड़ा समाप्त हो गया। अब हुआ क्या, थोड़ा मायाचार करना पड़ा। अब यह कोई मायाचार, कोई दुर्नीति अब है, मायाचार नहीं। अंगूठी वैसी की वैसी दूसरी अंगूठी बनवा दी स्वर्णकार से, और दोनों भाइयों को अंगूठी दे दी, और दोनों का झगड़ा भी समाप्त हो गया। छिपाना तो पड़ा, पर यह कोई दूषित भाव से छिपाना नहीं हुआ, यह व्यवहार संचालन के लिए एक व्यावहारिक पर्दा डालना पड़ा और झंझट समाप्त हो गया। वह माया जहां हमारे भीतर के भाव दूषित होते हैं, भीतर के भाव, तब समस्या पैदा होती है। कभी कभी कहते हैं माया कर रहे हैं, माया नहीं है। जहां भाव की अशुद्धि होती है, भीतर का भाव अशुद्ध है, और वह अशुद्ध भाव से जो अच्छा धन छिपाने की बात आती है, चाहे वह मन की वक्रता, चाहे वाणी की वक्रता, चाहे शरीर की वक्रता, वहां माया होती है, आर्जव नहीं होता। यदि हमें आत्मा को पढ़ना है, आत्मा को पढ़ना है, तो आर्जव का विकास करना जरूरी है। यानी हमारी भाव, भीतर का जो भाव है वह अशुद्ध न रहे, अशुद्ध भाव नहीं होना चाहिए, भीतर में पवित्रता रहे, भावों की पवित्रता, तो फिर मन वाणी शरीर तीनों सरल रहेंगे, उनमें कोई कुटिलता नहीं आएगी। इनमें जो कुटिलता आती है, चाहे वाणी की कुटिलता, चाहे शरीर की कुटिलता, और चाहे मन की कुटिलता, वह भाव के द्वारा संप्रेषित आरोपित कुटिलता आती है। इसलिए भाव शुद्ध रहे, यह आर्जव का एक अर्थ है भाव विशुद्धि। और जब यह आर्जव आता है तो धर्म की चेतना जागती है। धर्म कब आता है कि आत्मा शुद्ध होती है, तब धर्म आता है। उत्तराध्यन सूत्र का सुंदर वक्तव्य है कि धम्मो शुद्धस्य चित्तैः, धर्म पवित्र आत्मा में ठहरता है। तब फिर प्रश्न हुआ कि आत्मा में ये शुद्धि कैसे आती है? कि सो ही उज्जुई भूयस्य, ऋजुता से शुद्धि आती है। जिसमें ऋजुता है, सरलता है, उसमें शुद्धता आती है, शुद्धता आती है वहां धर्म ठहरता है। यानी आर्जव के बिना धर्म नहीं ठहरता। हर बात छिपाने छिपाने की आचार्य भिक्षु ने शील के नौबाद में एक सुंदर प्रसंग दिया है। एक व्यक्ति ने बहुत खा लिया, अब खा लिया, अब पेट में दर्द हुआ, आंते फटने लगी, अफारा आ गया, पेट फटने लगा, वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखी, और कुछ तो दोष नहीं है नाड़ी में, लगता है तूने
ज्यादा खा लिया, नहीं बेटी महाराज मैंने ज्यादा खाया नहीं, अब छिपाता है, बता नहीं मैंने ज्यादा खा लिया। अब अपनी लोलुपता को छिपाने के लिए कहता है कि लगता है कोई हवा लग गई है। बहुत बार कहते हैं कि कोई भूत लग गया, कोई हवा लग गई, वह लग गई, मूल बात तो छिपा लेते हैं, ऊपर का आरोपण करते हैं। ये आरोपण है, ये आत्मा की पढ़ाई में बाधक है, आत्मा को जानने में बाधा डालता है। हमारी भाव विशुद्धि रहे। आर्जव का दूसरा अर्थ है अविसंवाद। अविसंवाद विसंवाद न हो, कुछ कहा कुछ किया, एक बात नहीं गलत बात कह दी, विसंवाद कर दिया, कहा यह काम करना चाहिए और खुद नहीं करता है। ये जो विसंवाद यानी विपरीत संवाद मिलता है, एक सा संवाद नहीं मिलता, संवाद एक जैसा नहीं, विपरीत होता है, अपने लिए कुछ दूसरे के लिए कुछ, एक के लिए कुछ दूसरे के लिए कुछ, ये जो विसंवादिता है, कथनी करनी का अंतर है, यह बहुत घातक होता है, आत्मा की पढ़ाई में बहुत बड़ा बाधक बनता है, बाधा डालता है। यह प्रश्न तो आम प्रश्न है कि समानता नहीं रहती, एक व्यक्ति किसी सन्यासी के पास बहुत जाता था, फिर जाना उसने बंद कर दिया, मिला हमने पूछा तुम तो बहुत जाते थे अब क्या हो गया, अब मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा, कि मैं मुझे यह अनुभव हो गया कि व्यास पीठ पर बोलते हैं तब एक बात होती है और जीवन में देखता हूं तो दूसरी बात मिलती है, मैंने छोड़ दिया। ये विसंवाद यानी प्रवचन स्थल पर उपदेश देते समय, प्रवचन के समय एक बात कहते हैं और जीवन में वह बात होती नहीं है, स्वयं की बात नहीं होती है, ये विषम बात भी भाव की अशुद्धि के कारण, माया के कारण आता है, माया रहती है। ये माया राजनीति में तो चल सकती है पर आत्मा की पढ़ाई में यह नहीं चल सकती, वहां इसका उपयोग नहीं हो सकता, वहां यह बाधक बनती है। राजनीति के लिए तो कहा जाता है, चर्चिल के बारे में कहा जाता है कि चर्चिल तो बहुत कुशल राजनीति के तो थे ही, और वे कहते थे कुशल राजनीति की कौन होता है कि सुबह एक बात कहता है, दोपहर में दूसरी बात कहता है और सांझ को तीसरी, और प्रमाणित कर देता है कि मैंने सुबह कहा वह भी ठीक था, दोपहर में कहा वह भी ठीक था और अब कह रहा हूं वह भी ठीक है, सारी बात को बदल देता है, कुशल राजनीतिज्ञ माना जाता है। किंतु धार्मिक तो ऐसा कुशल नहीं होता, ऐसा करने वाला धर्म के क्षेत्र में तो अकुशल माना जाता है, कुशल धार्मिक नहीं हो सकता। कुशल धार्मिक वह होगा जो बात सुबह कही वही बात दोपहर में वही बात सांझ को, एक ही बात फिर बदलने की बात नहीं कि सुबह एक बात कहे दोपहर में दूसरी शाम को तीसरी कहे, कुशल धार्मिक वह होता है जहां विसंवादिता नहीं है, संवादिता है, संवादिता, संवादिता। विश्वास किसका होता है कि संवाद होता है वहां विश्वास होता है, तर्क शास्त्र में दर्शन शास्त्र में आप पुरुष की व्याख्या आती है, आप जिसकी वाणी प्रमाणित होती है आप पुरुष, आप कौन होता है कि जिसका कथन संवादी होता है, संवादी है। किसी ने पूछा प्यास बहुत लगी है, जंगल में मिला और पूछा प्यास बहुत है बताओ कहीं पानी मिलेगा, उसने कहा चले जाओ 1 किलोमीटर के बाद बहुत बढ़िया तालाब है वहां पानी पी लेना, 1 किलोमीटर गया और तालाब आ गया, बस संवादी बात हो गई, संवादी बात। और कहीं कहीं विसंवादी बात भटकाने के लिए होती है, तो विसंवादी बात होती है रास्ते में 10 किलोमीटर तक तो पानी का नाम नहीं किंतु चक्कर डालने के लिए भटकाने के लिए कह देता है देखो इधर चले जाओ इधर तुम्हें पानी मिल जाएगा, चलता ही चला चलता गया कि पानी का नाम भी नहीं आया।
मिला तो पूछा आपने क्यों किया, कि मेरे मन में तुम्हें भटकाने की बात आ गई। ये सारा विषम बात। तो आर्जव का दूसरा अर्थ है अविषम बात, विषम बात न होना, संवादिता रहे बराबर। और ये बहुत बड़ी अपेक्षा है समाज में, व्यावहारिक जीवन में, जहां विषमवादिता आती है, जहां संवाद नहीं होता, एक बात से दूसरी बात का मेल नहीं होता, समस्या पैदा हो जाती है। हर आदमी अपेक्षा रखता है कि संवाद, सही संवाद मिले, संवाद सही मिले। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास भी संवाद आता है, एक आता है, दूसरा आता है, दिन में दो चार आ जाते हैं और विषमवाद आ जाता है। एक कहता है कि नहीं वह सब ठीक हो रहा है, और एक कहता है नहीं गलत हो रहा है। जहां आपस में झगड़े संस्थाओं के चलते हैं, वहां यह विषमवादिता आ जाती है। यह भी भाव अशुद्धि के कारण। तो आर्जव के दो लक्षण बतलाए गए, दो परिभाषाएं समझ लो, एक भाव विशुद्धि है, दूसरा अविसंवाद। जो व्यक्ति आत्मा को पढ़ना चाहे, उसे आर्जव का अभ्यास करना जरूरी है। यानी भाव विशुद्धि रहे, निरंतर ये चिंतन रहे कि मेरे भाव में कलमशता न आए, मलिनता न आए, भाव मेरा पवित्र रहे, वह अंतर जगत का साक्षी है, अंतर जगत का देवता है। भाव हमारा भीतर बैठा है, सीधा हमारा संपर्क नहीं होता भाव के साथ, मन के साथ सीधा संपर्क हो जाता है, वाणी के साथ तो होता ही है, शरीर के साथ भी संपर्क सीधा होता है, पर भाव के साथ सीधा संपर्क नहीं होता। वह बाहर कभी आता ही नहीं है, बाहर आने का साधन भी नहीं है, वह तो अपने तीन माध्यमों से ही काम सारा चलाता है और उन माध्यमों से चलाता है। तो हम प्रयत्न करें कि मन शुद्ध हो, वाणी शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, यह प्रयत्न करें। इससे पहले हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि भाव विशुद्धि हो। अगर भाव शुद्ध नहीं है, आप मन को पवित्र बनाना चाहें कभी नहीं बनेगा, न वाणी पवित्र बनेगी, न शरीर पवित्र बनेगा, न शरीर की वक्रता मिटेगी। आप भाव विशुद्धि की साधना करें कि जो हमारी आंतरिक भाव है, वे भाव नकारात्मक न बने, निषेधात्मक न बने, विधायक रहे, पॉजिटिव रहे, नकारात्मक न बने। यह साधना करें, अगर आपका भाव विधायक है तो मन, वाणी, शरीर तीनों आपका साथ देंगे, तीनों अच्छे बन जाएंगे। और भाव आपका नकारात्मक है, न मन अच्छा रहेगा, न वाणी अच्छी रहेगी और न शरीर अच्छा रहेगा। हम अगर समस्याओं पर विचार करें, चाहे पारिवारिक समस्या, चाहे व्यक्तिगत समस्या, चाहे संस्थागत समस्या, सारी क्यों होती है कि नकारात्मक भाव आया, समस्या पैदा हो जाएगी। भाव आ गया तो इसको हटाना है, मुझे अध्यक्ष बनना है, वहां भी भाव अशुद्ध आया, सारी समस्या पैदा हो गई। जहां दूसरे के बारे में कुछ आया तो इसको बिगाड़ना है, नष्ट करना है, समस्या पैदा हो गई। ये सारा कौन कर रहा है? भीतर बैठा कर रहा है। इसलिए हम भाव के प्रति जागरूक बने तो आत्मा की पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा उपाय, तीसरी कक्षा का उपाय, वह है आर्जव। पहले दो भी याद रखें, पहला सूत्र है क्षमा, दूसरा सूत्र है मार्दव मृदुता, और तीसरा सूत्र है आर्जव। अगर इन सूत्रों का अभ्यास करें तो आप आत्मा की पढ़ाई कर सकते हैं और अभ्यास करते करते आत्मा का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। इसलिए आर्जव पर हमें बहुत गहराई से चिंतन मनन करना है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः।
प्रज्ञ गुरु